नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर विधानसभा चुनाव सोमवार 31 अक्टूबर 2019 की सुबह 7 से शाम 6 बजे तक छुटपुट घटनाओं के बीच संपन्न हुआ। शाम 6:30 बजे तक कुछ बूथों पर मतदान चल रहा था। उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 47% मतदान हुआ, जो ठाणे जिले में सबसे कम बताया गया है। यहाँ पर कुल 232,873 मतदाता हैं। 2014 के चुनाव में उल्लासनगर में मतदान 38% मतदान हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। सिंधी समाज द्वारा सभी 12 पैनलों में अच्छे वोट डाले गए। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच बोगस वोटिंग को कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन वोट के बदले नोट बांटते हुए कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया था। पैनल नंबर 8 में बाबा बेफिक्री चौक पर भाजपा नगर सेवक राजेश विद्रिया की महिला कार्यकर्ता रजनी मिसाल उर्फ रानी के साथ चोपराकोट परिसर निवासी दीपक जाधव व महिला सहकर्मियों ने उनकी बिना कारण पिटाई की, जिसकी शिकायत उन्होंने उल्लासनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई। इस मारपीट से यहां माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मी बीजेपी तर्फे काम करत होते आणि जेव्हा वार्डमधून चालले तेव्हा अचानक मध्यवर्ती चौकामध्ये ट्रॅफिक झाली थोडीशी आणि एक लेडीजनी मला आवाज दिला म्हाताऱ्या अगोदर। ती आमच्या ओळखीची वाटली, तिने थांबवलं की म्हणे मला वोटिंगला जायचे, वयस्कर होती। मी तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होते तेवढ्यात समोरून एक अनोळखी लेडीज आली, तिघीजणी आल्या आणि डायरेक्ट मला बोलली, तू आम्हाला पाठवले ज्योतिबाबीने, आम्हाला पैसे दे, तू पैसे चालवते आम्हाला माहिती आहे, तुझं डोकं फिरले बाजूला हो। जसं मी तिला सरकवायचा प्रयत्न करत होते तिने लगेच मला झापड मारली पाठीमागून आणि दुसऱ्यांदा तोंडावर काहीतरी तिच्या हातात होतं ते मारायचा प्रयत्न केला। मी तिला धरलं तर पूर्ण माझ्या हाताला रक्त लागलं, तिच्या हातामध्ये काय वस्तू होती, मला गोंधळली सगळे। अचानक सडनली मला समजलं नाही की काय प्रकार चाललं आहे। मी गाडी हातातली सोडली, मोबाईल पडला आणि साईडला खाली उतरले। उतरेपर्यंत मग सगळे माणसं जमा झाले तिथे, मग मी साईडला झाले थोड्या वेळाने, नंतर लक्षात आलं माझ्या की इथं सगळे लोक जमा झालेत आणि असं प्रकार चाललं आहे। ह्या महिलेला मी यापूर्वी कधीही कुठेही पाहिलेलं नाही आणि ती आमच्या वार्डमध्ये पण राहत नाही, सराउंडिंग आसपासच्या परिसरात राहत नाही, ती कुठे दुसरीकडेच दूर राहते, तिचा काही इथं येण्याचा संबंधच नव्हता। पण ती जाणून बुजून विचारपूर्वक आली असावी, की विचार केलेली त्यांची अगोदरच ऑलरेडी प्लॅनिंग होती की भर चौकामध्येच मारून त्रास द्यायचा। सोमवार सुबह 7 बजे से धीमी रफ्तार से मतदान की शुरुआत हुई। सुबह 9 के दोपहर 1 बजे तक मतदाता बाहर निकलने शुरू हुए, लेकिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत में इजाफा शुरू हुआ। विकलांगों के लिए व्हीलचेयर का बंदोबस्त रखा गया था। कई मतदाताओं का नाम सूची से गायब होने के कारण उनको खाली हाथ वापस होना पड़ा। गुरुवार 24 अक्टूबर की सुबह 8 बजे पवाई स्थित एसडीओ कार्यालय में मतगणना होगी, जहां पर भाजपा के कुमार रैलानी व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ज्योति कालानी के भविष्य का फैसला होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।